गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज अपना जो 10th क्लास का कुछ चैप्टर है मैथ्स में वो स्टार्ट करेंगे। मैथमेटिक्स में ये तो बहुत इजी है, नॉर्मली अपन मल्टीप्लाई डिवीजन स्क्वायर स्टार्ट करते हैं, उन सबको आता है। लेकिन बेसिक मैथ में ऐसा एक मेथड है जिससे द्वारा बड़े सारे मल्टीप्लाई डिवीजन स्क्वायर क्यूब बहुत इजी एंड शॉर्टकट मेथड से अपन उसको सोल्व कर लेते हैं और आंसर एकदम करेक्ट आंसर मिलेगा अपने को। आप लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर 9th क्लास के अंदर भी वेटिंग मैथ पढ़ी है तो उसी के ऊपर आप 10th क्लास में वेटिंग मैथ शॉर्ट कर दी है जिसमें केवल स्क्वायर और क्यूब है और उसके अलावा डिवाइडेड भी मेथड है। तो आज हम सबसे पहले स्क्वायर की बात करेंगे कि वेटिंग मैथ में स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। तो स्क्वायर फाइंड करने का मेथड तो काफी सारे हैं पास, लेकिन एक जो यूनिक जो मेथड है जो मोस्टली रिपीट होता है और जो कॉमन मेथड से भी ज्यादा एप्लीकेबल भी होता है वो है निकिलम मेथड। तो यहाँ हम प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो निकिलम से सोल्व करेंगे क्योंकि एग्जाम के अंदर आपके पास वो मेथड का नाम नहीं लिखा हुआ आएगा, आपको डायरेक्ट लिखे हो जाएंगे सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन या फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको स्क्वायर बताना है तो इसका फॉर्मूला है, तो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ वो याद कर लेना, बाकी एकदम आसान है। यदि आप लोगों को बोले कि 15 का स्क्वायर है द स्क्वायर ऑफ 15, ध्यान रखना ऐसे में हमें बेस सबबेस और डेरिवेशन लेना होता है। तो सबसे पहले हमें बेस सेलेक्ट करना है, बेस कि हमारा बेस क्या होगा। रिमेंबर वन थिंग, बेस हमेशा 10 100 1000 भी होगा, इसके अलावा हमारा बेस नहीं होगा। इट मीन मल्टीपल ऑफ 10, 10 के मल्टीपल में हमारे बेसेस होंगे, या तो बेस हो सकता हमारा 10 या हमारा हो सकता है 100 या हो सकता है 1000 या हो सकता है 10000, यही हमारे बेस हो सकते हैं, इसके अलावा हम बेस नहीं मानेंगे। तो डिपेंड करता है संख्या के हमारे नंबर जो 15 है तो 15 इनमें से किसके जस्ट नियरेस्ट है, किसके पास में है। हमारा जो 15 जो है वो 10 के जस्ट नियर है तो हमारा बेस जो है वो होगा 10, बेस होगा वो 10। इसके बाद डेरिवेशन या जिसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, तो बेस के अलावा जो डेरिवेशन है वो क्या होता है। डेरिवेशन इसे निकालते हैं, डेरिवेशन निकालने का है नंबर माइनस बेस, नंबर माइनस बेस। तो 15 माइनस 10 इज इक्वल 5, ध्यान करना डेरिवेशन हमारा आता है प्लस का 5 पॉजिटिव 5 आया। तो स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, इसका मेथड है नंबर प्लस डेरिवेशन ऑब्लिक डेरिवेशन का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद कर लेना सभी, ये फॉर्मूला रिलेट हो जाएगा तो हमारा स्क्वायर आ जाएगा। जैसे नंबर क्या है 15 प्लस डेरिवेशन क्या है 5 ऑब्लिक 5 का स्क्वायर। सुन लीजिए 15 और 5 20 ऑब्लिक 5 का स्क्वायर 25। रिमेंबर वन थिंग, आपके ऑब्लिक इधर दो डिजिट यूज होंगे 25। ये आपको ग्रुप में नीचे डिपेंड करेगा आपके बेस पर, आपके बेस में जीरो कितने हैं 1, आपके बेस में जीरो है 1, जितने जीरो है उतने डिजिट आपको नीचे ड्रॉप करनी है। 10 है तो यहाँ दो डिजिट है, आपको दो में से एक डिजिट जो है वो नीचे ड्रॉप करनी है, मैंने 5 लिखा नीचे। अभी रिमाइंडर क्या रहे 2, इस 2 को मैं आगे क्लियर कर दूंगा। तो 2 को 20 के रिप्लेस कर दो, 2 और 20 22, ये हमारा हो गया 15 का स्क्वायर। नो देट आप सबको स्क्वायर याद है तो हमें पता है ऑब्वियसली 15 का स्क्वायर 225 ही होता है। ये कब था, जब आपका नंबर बेस के जस्ट पास में था, बेस के जस्ट नियरेस्ट था। यदि आपका कोई डिजिट या कोई नंबर बेस से दूर आए, जस्ट फॉर एग्जांपल एक फॉर एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए 35 या 34 ले लेते हैं, 34 ले लो, 54 ले लो, 64 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। ये आपके बेस से दूर है, ये बेस से जस्ट नियर था, ऐसी कंडीशन में आपको सब बेस लेना पड़ेगा। जब आपकी डिजिट 20 से ऊपर आ जाए, 20 से ऊपर आ जाए
बेस डिलीट करना पड़ेगा। यहां आपका बेस क्या होगा, इस कंडीशन में आपका बेस होगा सेम टेन का, क्योंकि टेन भी स्केल है। अब आपको यहां सब बेस लेना होगा, सब बेस आपका होगा 30, जस्ट नियर द मैक्सिमम जीरो, टेन के जस्ट जो जीरो के नियरेस्ट है 30। तो सब बेस डिजिट क्या होगा, सब बेस डिजिट ये कैसे आता है, मतलब बेस को कितने से मल्टीप्लाई करो सब बेस आ गए 3 से, तो हमारा सब बेस डिजिट हुआ 3। और पिछले क्वेश्चन पे डेविएशन फाइंड करेंगे, यहां भी हमारा डेविएशन कैसे आएगा, नंबर माइनस सब बेस आ गए ना, तो 24 माइनस 30 इज इक्वल प्लस का 4, प्लस का 4 ये आ चुका है। अभी इसका फॉर्मूला थोड़ा चेंज है, जो फॉर्मूला हमारा इसका बात ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला हमने लर्न किया है ये कब का है, जब आपके पास सब बेस नहीं हो, जब आपके पास सब बेस आ जाए, थोड़ा सा चेंज है, क्या चेंज है बता दे दूंगा आपको, सब बेस डिजिट ब्रैकेट नंबर प्लस डेविएशन ऑब्लिक डेविएशन का स्क्वायर। क्या देखा आपने, यहां पर सब बेस डिजिट मेरा एस बी डी से मतलब है सब बेस डिजिट से मेरा मतलब है, ध्यान देना जो मैं सब बेस लिखता हूं एस बी डी सब बेस डिजिट ब्रैकेट नंबर प्लस डेविएशन ऑब्लिक डेविएशन का स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करनी है, आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, सब बेस डिजिट क्या आपका, सब बेस डिजिट आपके सामने दी है, नंबर नंबर क्या है 34 प्लस डेविएशन क्या है 4 ऑब्लिक डेविएशन का स्क्वायर इतने 4 का स्क्वायर, सो लीजिए 3 मल्टीप्लाई 34 4 38 ऑब्लिक 4 का स्क्वायर 16। अभी आपको 38 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 108 फुट होता है, 38 दीजा आप लोगों में मल्टीप्लाई कर लेना और 16 का 16। अभी वही बात वापस से कि आपके पास लास्ट वाले में दो डिजिट है, जबकि आपके बेस में जीरो सिंगल है, एक ही जीरो है, तो आप दोनों डिजिट एक साथ नहीं पढ़ सकते, नीचे जितने जीरो होंगे उतने आपको एक साथ नीचे सुनकर जरूरत करनी है। अभी सिंगल जीरो है तो 16 में से सिंगल डिजिट हम नीचे तो करेंगे 6, ये 1 जो है वो आगे कैरी कर लेंगे 114 और 115, तो अपना आंसर आ गया 1156 इज ए स्क्वायर ऑफ 34। तो आई होप सो आपको ये जो मेथड है स्क्वायर का, एक तो मैंने बता दिया आपको जब सब बेस नहीं है तब, और जब सब बेस होगा इन्हीं बेसिस पे आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी इसके बाद जो अपना जो नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा क्यू, क्यू के अंदर आपको नॉर्मली क्यू आपने की है सेम ट्रिक
this आपका 10 है, sub is यहाँ many, division आपका 12 minus 10 is equal 2 है, okay? अभी इसी according आपको एक formula मिलता है इसका कि Q किसे आएगा, number plus 2 multiply division oblique 3 multiply division का स्क्वायर ऑब्लिक डेविशन की 2, ध्यान रखना नंबर प्लस, ये आपको फॉर्मूला याद है ना, तब आप किसी भी नंबर का टू फाइंड कर सकते हो इजीली। तो अपन क्लोज करते हैं, तो ये नंबर क्या है 12 प्लस 2 मल्टीप्लाई डेविशन 2 है, 3 का 3 मल्टीप्लाई डेविशन का 2 है, तो 2 का स्क्वायर ऑब्लिक डेविशन 2 है 2 की 2। तब ये जो 2 है ध्यान देना, ये जो 2 है और ये जो 3 है, ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले हमेशा रहेंगे, चाहे आप डिजिट कैसे भी हो, ये कुछ छोटे हो चाहे कितनी बड़ी। अब इसको सॉल्व करते हैं, 12 का 12 2 का 4 ऑब्लिक 3 मल्टीप्लाई 2 का 4 ऑब्लिक 3 का 2 8, ओके। नाउ कंटिन्यू करते हैं, अभी इनको आप सॉल्व कीजिए, 12 और 16 ऑब्लिक क्यों पुट जा 12 ऑब्लिक 8। तो अब इसके बाद आपको वही क्वेश्चन, तो इसमें प्रोसेस किया नहीं क्या कि बेस में जीरो कितना है 1, बेस में जीरो है 1 जीरो ना, तो 1 जीरो को नीचे को करें, ध्यान रखना सिंगल यहां 8 है, यहां जीरो बराबर उधर से रहे हैं, तो 8 नीचे को क्या 8, इसको कंटिन्यू आगे कर देंगे 0 2 2 सिंगल डिजिट लेने हैं और आगे कंटिन्यू कर देंगे 16 ओपन 17। ये एक साथ को लिए अपन ने क्योंकि लास्ट पेयर है, 16 एक साथ को लिए क्योंकि ये हमारा लास्ट पेयर है, इस वजह से अपन इसको सिंगल लिया, ठीक है। ये अपना एक मेथड है, अब एक दूसरा मेथड है सब अपने पास सब बेस, सब बेस का मतलब डिजिट अपने नंबर से या बेस से बड़ी हो, बेस के पास नहीं हो उसे बड़ी संख्या हो, तो अपन कैसे करेंगे आप यहां से, तो व्हेन सब बेस अभी जब सब बेस हो मैंने कहा कि बेटा नहीं, तो हमें सब बेस बेस देखना देगा, यहां बेस करना होगी 10 और अब सब बेस वो है 20, सब बेस डिजिट अपना है वो है 3 और डेविएशन अपना जो है वो 25 माइनस 20 इज इक्वल 5, ओके। अगले कुछ चीज के ध्यान रखना, ये फॉर्मूला याद कर लेना, वापस से कर रहा हूं मैं, सब बेस डिजिट का स्क्वायर देखिए नंबर प्लस 2 मल्टीप्लाई डेविएशन ऑब्लिक डेविएशन का सब बेस डिजिट मल्टीप्लाई 3 ऑब्लिक डेविएशन का स्क्वायर ऑब्लिक डेविएशन की क्यूब। तो सब बेस डिजिट क्या आपके पास 3, 3 का स्क्वायर नंबर 25 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 ऑब्लिक सब बेस डिजिट है 3 मल्टीप्लाई 3 ऑब्लिक 5 का स्क्वायर ऑफ 52, ओके। अभी आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए 3 का स्क्वायर 9, 5 का 10, 5 का 10 मल्टीप्लाई 45, 3 का 9 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर 25, 52, 1.5। अब अगेन सॉल्व कीजिए 45 9 का 45 ऑब्लिक 25 9 का 225 ऑब्लिक 125, ओके। अभी आपको वापस से वही करना है कि डिजिट कि कैसे ड्रॉप करनी है, इंपॉर्टेंट चीज वो है सब दे आपका जो बेस है जीरो सिंगल, उसमें तो सिंगल भी नीचे जाएगी, बाकी हम आगे कंटिन्यू कर देंगे, आगे कैरी करेंगे। जैसे यहाँ 5 है वो नीचे ड्रॉप कर लीजिए, ये 12 जो है वो आगे जाएगा, 12 ऑफ 5 17,
सेवनटीन का सेवन वन इसके पास मिल जाएगा और फिर ये आगे हो जाएगा ट्वेंटी टू वन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री को फोर हंड्रेड फाइव में जोड़ दीजिए फोर हंड्रेड ट्वेंटी एट। वापस अच्छे करते हैं फाइव को फाइव दो थे सेवन से सेवन बन के थी ट्वेंटी टू पॉइंट ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री को इसमें जोड़ेंगे तो ट्वेंटी एट हो जाएगा फोर हंड्रेड ट्वेंटी एट। तो ये अपना आ गया ट्वेंटी टू थाउजेंड एट सेवेंटी फाइव। तो आज आप सभी अपने रेजिमेंट के जो स्क्वायर रूट के जो टॉपिक किए हैं दोनों बेस सब बेस पे किए हैं आज का आपको पूरा यही है आपका जो आप एग्जांपल प्लस क्वेश्चन दोगे तो आज के लिए इतना ही। दिस इज गॉड गुड डे थैंक यू वेरी मच।